होंडा एसपी 125 BS6 बाइक है, क्लच किट में आपको इतना पार्ट आपको असेंबल में मिल रहा है। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। तो अभी हम बात करेंगे बाइक के क्लच के ऊपर, जो हम लोग जो बाइक में क्लच प्लेट चेंज करते हैं उसके ऊपर बात करने वाला है। तो अभी है मेरे पास ये होंडा कंपनी का बाइक का क्लच किट है, वो भी होंडा साइन एसपी BS6 बाइक का क्लच प्लेट है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, होंडा जब साइन आया अभी एसपी 125 BS6 न्यू मॉडल बाइक जो है FI वाली वेरिएंट, उस बाइक का क्लच किट असेंबल है। इसका प्राइस क्या है और क्लच किट के साथ साथ कौन कौन पार्ट आपको मिल रहा है, टोटल स्टेप आपको बतलाएंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर क्लच किट चेंज करने में बेनिफिट है या अलग से क्लच प्लेट चेंज करने में बेनिफिट है, टोटल स्टेप आपको बतलाएंगे। इससे पहले अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजौली को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यह है मेरे पास होंडा कंपनी का जेन्युइन पार्ट, थोड़ा नजदीक से दिखलाओ भाई। यहाँ पे लिखा क्लच असेंबल किट, आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्लच असेंबल किट। अगर प्राइस का बात कर ले तो 1465 रुपया इसका प्राइस है, वो भी 2023 का प्राइस है। जी हाँ फ्रेंड देखिए, 1465 रुपया प्राइस है और 2023 का प्राइस है। अगर पार्ट नंबर का बात कर ले तो यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है और ऊपर में भी यहाँ पे पार्ट नंबर लिखा हुआ, आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, होंडा का जेन्युइन पार्ट है। चलिए अब हम आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखला रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से क्लच किट असेंबल पैकिंग किया गया है और देखिए बिल्कुल क्लच असेंबल किट है। इसको हम बाहर निकाल लिए, चलिए इसको हम साइड रख देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, क्लच किट में आपको इतना पार्ट असेंबल मिल रहा है। चलिए इसको हम पार्ट बाय पार्ट ओपन करके आप लोगों को दिखला रहे हैं। देखिए ये हो गया आपका बाइक का क्लच हब, इसको हम साइड में रख लेते हैं। होंडा एसपी 125 BS6 बाइक है, क्लच किट में आपको इतना पार्ट आपको असेंबल में मिल रहा है। तो चार ठो क्लच प्लेट मिल रहा है, तीन ठो आपको प्रेशर प्लेट मिल रहा है जो कि यहाँ पे लोहा का है। उसके बाद एक क्लच हब मिल रहा है, एक क्लच सेंटर मिल रहा है, उसके बाद आपको एक क्लच लिफ्टर मिल रहा है। इतना चीज़ आपको क्लच किट असेंबल में मिल रहा है। और आपको पार्ट बाय पार्ट अगर बात करें तो क्लच किट चेंज करने में ही आपको ज़्यादा बेनिफिट है। अगर जब भी आप अपने बाइक का क्लच प्लेट चेंज करते हैं उस टाइम अपने बाइक में क्लच किट नया डाल रहे हैं तो काफ़ी बेनिफिट है। क्योंकि देखिए अगर अलग अलग से हम टोटल पार्ट लेने जाएंगे तो काफ़ी मुझे अधिक बजट लग जाएगा। अगर एक एक प्राइस का बात करें, थोड़ा नज़दीक से दिख लो, अगर क्लच प्लेट का ही प्राइस का बात करें तो क्लच प्लेट 750 से 800 रुपये का समथिंग होगा। उसके बाद क्लच हब का बात करें तो 200 से 250 का क्लच हब हो जाएगा। क्लच सेंटर का बात कर लें तो 150 से 200 रुपये का क्लच हब क्लच सेंटर भी हो जाएगा। उसके बाद अगर प्रेशर प्लेट का बात कर लें तो 150 का समथिंग ये भी आ जाएगा। और क्लच लिफ्टर का बात कर लें 100 रुपये का समथिंग ये क्लच लिफ्टर भी आएगा। अगर अलग अलग से पार्ट लेने जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत आपको कम बेसी हो सकता है। आप अलग से क्लच प्लेट भी चेंज कीजिएगा तो उस टाइम आपको 750 के समथिंग क्लच प्लेट चेंज हो जाएगा और आपको मैकेनिक चार्ज लेकर के 800 से 850 रुपया पर आपके बाइक का क्लच और क्लच सेंटर खराब होगा। उस टाइम क्लच असेंबल ही बाइक में नया डालिए, ना कि अलग अलग से पार्ट लेकर फिट कीजिए। अगर चाहे तो आप क्लच असेंबल ही डाल सकते हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा बाइक में। अगर आपके बाइक में बार बार क्लच प्लेट जल रहा है तो उस टाइम आप क्लच असेंबल डाल सकते हैं। अगर आपके बाइक कुछ दिन चलने के बाद क्लच प्लेट जल गया, खराब हो गया, तो उस टाइम आप सिर्फ और सिर्फ क्लच प्लेट चेंज कर सकते हैं, इससे भी कोई डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन जब आपके बाइक का क्लच प्लेट बार बार जल रहा है, क्लच का हब ही खराब हो गया, क्लच का सेंटर खराब हो गया, तो उस टाइम आप क्लच किट नया डाल सकते हैं बाइक में और आपका बाइक मस्त मौला मक्खन हो जाएगा, प्रॉपर नया जैसा पिकअप मिलेगा। होंडा एसपी 125 BS6 जो बाइक है उस बाइक में भी दो मॉडल का क्लच प्लेट आता है। एक मॉडल में आपको इस मॉडल का क्लच प्लेट फिट हो जाएगा, लेकिन इसी के जगह हम बात कर ले दूसरे बाइक में, तो होंडा एसपी 125 CC बाइक है, उसमें कुछ अलग मॉडल का क्लच प्लेट लगता है। जो हमारा होंडा ड्रीम युगा ओल्ड मॉडल जो बाइक है उस बाइक का होंडा एसपी BS6 बाइक में प्रॉपर क्लच प्लेट फिट हो जाएगा, कोई भी आपको डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन अभी जो BS6 बाइक आया एसपी करके, उस बाइक में ये क्लच प्लेट फिट हो जाएगा। उस बाइक में यहाँ पे चार क्लच प्लेट फिट होता है और इससे पहले वाले मॉडल में भी चार क्लच प्लेट ही फिट होता था, ना कि पाँच क्लच प्लेट फिट होता था इन दोनों बाइक। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को क्लच प्लेट चेंज करने का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और क्लच के रिलेटिव आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।